बेटा भाई ये वही जगह है जहाँ पर संतोष नकली दूध बनाता है। वहां पर एक खिड़की है, वहां से दिखाता हूँ कि वो लोग मिक्सिंग कैसे करते हैं। तैयार हो गया हमारा देसी दूध। चलो यहाँ से चलते हैं, किसने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो चलो दोस्तों, हमें एकदम चौकन्ना रहना पड़ेगा। संतोष और उसके आदमियों को कानों कान पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर हैं। अरे भाई हम तो चौकन्ना रहेंगे, तू खास चौकन्ना रहना और अपने आपे में रहना। क्यों? अरे क्यों क्या, वरना पता चला अंदर कोई सुंदरी काम कर रही है, उसको तू पूछने लगा, हेलो मैडम आपकी शादी हो गई है, आप कुंवारी है? हाँ बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात हम भूल गए, संतोष और उसके आदमियों के पास हथियार हुए तो हमारे पास छोटी है। मेरे पास छाता है? अरे यार तुम लोग खाम खा डर रहे हो, ये संतोष नकली दूध बनाता है, हथियार थोड़ी ना रखता। अब्दुल जब तू लास्ट टाइम आया था इसके पास कोई हथियार था? हथियार नहीं। नहीं देखा। हेलो अरे नहीं, पिछला पेमेंट तो क्लियर हो जाएगा। ओ यारो मैं क्या कहता हूँ, मौका अच्छा है अभी के अभी हल्ला बोल देते हैं। नहीं नहीं सॉरी, ये काम पुलिस का है, उनके आने तक का हम वेट करते हैं। पुलिस को हमने अभी थोड़ी देर पहले तो फोन किया, तो आने में वक्त लगेगा, हम इंतजार कर लेते हैं थोड़ी देर। अरे लेकिन पुलिस के आने तक अगर संतोष कहीं बाहर निकल गया तो? अगर संतोष एक बार भाग गया ना तो हाथ में नहीं आएगा। अरे तो भाई चाहे पुलिस आए ना आए फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे भागने नहीं देंगे, पकड़ लेंगे हम लोग। हाँ हमारे पास छोटी है। थैंक यू जनाब। छोटी को मयान में रख, हम लोग हमारा मनी करने थोड़ी है। एक काम करते हैं, दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। पप्पू जी। हाँ। चाचा जी, पर वो पिछले रास्ते से भाग गया तो? नहीं नहीं छोटी भाई, ये एक ही रास्ता है, वो जल्दी जाके दरवाजा बंद कर देते हैं। कौन है, कौन है? यार भाई क्या कर रहे हैं, सीधे खड़े रहिए ना। कौन है? दरवाजा खोलो। कौन है? हाँ नकली दूध के व्यापारी, आज तो तू गया। खोलो नहीं तो ठीक नहीं होगा। अरे आज तो तेरे साथ ठीक नहीं होगा। लेकिन आप लोग हैं कौन? अरे हम लोग गोकुलधाम वाले, गोकुलधाम वाले, आज तुझ पे भारी पड़ने वाले हैं। क्या हुआ बाबूजी? गोकुलधाम? गोकुलधाम वाले यहाँ खड़े खड़े कुछ नहीं। खोलो। भीड़ भाई है? भीड़ भाई भी है और हम सब लोग भी है। संतोष आज तू बचकर नहीं जाएगा, आज तो हम सब तेरे साथ भिड़ने वाले। दरवाजा खोलो। अरे संतोष अब ये दरवाजा तो पुलिस ही आके खोलेगी। हाँ लोगों का धंधा चौपट करता है, सस्ते दूध के बहाने जहर बेचता है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करता है ना, आज उसका अंजाम पता चलेगा क्या होता है। अरे कुछ भी करके निकलो यहाँ से, नहीं तो पकड़े जाएंगे। अरे पकड़े गए तो बहुत सजा मिलेगी। अब्दुल पक्का पीछे कोई दरवाजा नहीं है ना? नहीं नहीं ये एक ही रास्ता है। अचानक आवाज बंद हो गई। अल्लाह बोल दे वो तो बंद ही हो जाएगी ना भाई।
दरवाजा तोड़ दो। अरे इंस्पेक्टर साहब आ गए। पुलिस। फोन किसने किया था? मैंने किया था फोन। क्या प्रॉब्लम है? अरे छिप जाओ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं साइंटिस्ट हूँ। ये दरवाजे के पीछे सब लोग नकली दूध बना रहे हैं, और वो दूध में क्या क्या चीज डाल रहे हैं उसका मेरे पास में ये लेबोरेटरी का रिपोर्ट है। ये देख। ठीक है, ये लीजिए। हवलदार, दरवाजा खोलो। आप लोग साइड हटो, साइड हटो। अरे क्या कर रही है भाई? आपको क्या है पिप से? इंस्पेक्टर साहब, दरवाजा तो अंदर से बंद है। दरवाजा तोड़ दो। और जोर से मारो। आइए साहब। तू कहाँ भाग रहा है संतोष? तूने हम सबको नकली दूध पिलाया, तनु ते मैं छटा नहीं। रुको जोड़ू, क्या बोला था? मेरा नाम है संतोष, ग्राहकों का संतोष ही मेरा संतोष। अब तुझे मिलेगी सजा तो हमें मिलेगा संतोष। ले जाओ सब लोगों को। आप जाके संतोष हुआ? हुआ नहीं, मिला। हाँ हाँ वही मिला। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने नकली दूध बनाने वाले को पकड़वा कर पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मदद की। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। हम सब ने तो अपना फर्ज निभाया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस संतोष को आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवा। जी। जय हिंद। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू। क्या सर आप बता सकते हैं कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ नकली दूध बनाया जाता है? क्या आप लोगों ने यहाँ का बना हुआ दूध इस्तेमाल किया है? आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? जाहिर सी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको जो कुछ भी जानकारी चाहिए वो आप हमारे अब्दुल भाई से पूछिए। इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश उनकी वजह से हुआ है। ये है अब्दुल भाई। अब्दुल, बताइए अब्दुल जी, आपको कैसा लग रहा है? जो जागरूक नागरिक को करना चाहिए था वही मैंने किया। फ्रेंड्स, हमारे पापा और अब्दुल भाई न्यूज में आ रहे हैं। अगर गोकुलम सोसाइटी वाले मेरे साथ में नहीं होते तो ये सब मुमकिन नहीं होता। इन लोगों की वजह से मैंने नकली दूध वालों का पर्दाफाश किया, इसलिए गोकुलम सोसाइटी इंचा। इन लोगों ने तो संतोष को पकड़वा दिया। पकड़वाएंगे ना, पता नहीं दूध के नाम पे क्या पिलाया था हमें। आप लोगों ने मिलकर नकली दूध बनाने वालों का पर्दाफाश किया है, तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमें अच्छा लग रहा है कि हमने दूध में मिलावट करने वालों को पकड़वाया। हमें उससे भी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने कानून की मदद की है। अरे ये कोई तरीका है? दूध जैसी चीज में लोग मिलावट करते? देखिए, जागरूक नागरिकों की तरह हमारा फर्ज था कि हम संतोष को पकड़वाएं, लेकिन संतोष तो शायद एक बहुत छोटी सी कड़ी है। पता नहीं ये जहर समाज में कितनी दूर तक फैला हुआ। इसके लिए आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा और जितने भी संतोष जैसी मानसिकता वाले लोग हैं उन्हें पकड़वाना पड़ेगा और हमारी पीढ़ी को बचाना होगा। अरे बच्चे भी ये दूध पीते हैं और बच्चे तो देश का भविष्य है। हमें इन दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। देखिए, मैं आपकी मार्फत सरकार से, कानून से विनती करता हूँ कि संतोष जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे। ए, ए, आगे बढ़ो। अब देखना, संतोष को उसके किए का सजा मिलेगा। नहीं, संतोष को तो सजा मिलेगी अय्यर भाई, लेकिन साथ में हम सबको भी सजा मिलेगी ना। क्यों? अरे क्यों क्या बापूजी, हम सब ने वो इतने प्यार से वो नकली दूध को, आ, 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 क्या दूध था, क्या मलाई निकली, ऐसा कर करके जब पिया है
तो हमारी तबियत को सजा नहीं मिलेगी। नहीं नहीं जेठा भाई, ये तो अच्छा हुआ कि ये नकली दूध हमने ज्यादा पिया नहीं, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, वरना ये नकली दूध से तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। माँ, वैसा ये अंकल, नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं ना? हाँ, हमारा साइंस का लैंग्वेज में नकली दूध को सिंथेटिक दूध भी कहते हैं। ऐसे नकली दूध पीते रहने से शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है, कभी कभी तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। हमारा इंडिया दूध प्रोड्यूस करने में पूरे वर्ल्ड में बहुत आगे। एक सर्वे के मुताबिक ऐसा भी मालूम हुआ है कि हमारे इंडिया में जितना असली दूध मिलता है उतना नकली दूध भी मिलता है। अरे मुझे तो ये संतोष जैसे लोग जो नकली दूध बनाते हैं इन पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे कितने घरों में छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो यही नकली दूध पी रहे होंगे। मने तो सोची नहीं का ब्राह्मण थे रही छे। पर क्या करे, पता कैसे चले कि असली दूध कौन सा है और नकली दूध कौन सा है? एग्जैक्टली, हमारे पास तो हमें जो दूध देता है उसके ऊपर भरोसा करने के लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी आप, हम सिर्फ भरोसा कर सकते और क्या कर सकते, क्योंकि भरोसे पे तो पूरी दुनिया कायम है। हम थोड़ी गांव की तरह यहाँ कंपाउंड में चार पांच गाय और चार पांच भैंस बांध के रख सकते हैं कि रोज सुबह हुई और भीड़े ने दूध निकाल के सबके घर में पहुंचा दिया। ओ भाई जेठा, मैं क्यों दूध निकालूंगा? हाल एक उदाहरण दे रहा हूँ। अरे तो उदाहरण मेरा ही क्यों दे रहे हो, तुम खुद का क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भाई तुम सोसाइटी का सेक्रेटरी हो ना। अरे सेक्रेटरी है तुमको मालूम है, गाय को थोड़ी मालूम होगा, अगर लात वात मारी तो। अरे भाई मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि हम थोड़ी गांव की तरह या कंपाउंड में गाय भैंस रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं है ना, बस वही और कुछ नहीं। सॉरी भाई, हमारे पास विश्वास करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संतोष जैसे लोग क्यों मिलावट करते हैं दूध में, इनकी मानसिकता क्या है? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अभी किसी की मानसिकता तो बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, हम सब जागरूक रहकर नकली दूध को पहचान कर अपनी सेहत को जरूर बचा सकते हैं। सही बात है। अरे कैसे बचा सकते हैं चाचा जी, अभी हमारे उदाहरण देख लीजिए आप। संतोष ने हमें दूध दिया, हमने जांचा, परखा, इस्तेमाल किया, लेकिन हमें कहां पता चला कि ये नकली है? और चलो हम सबका तो चलो समझ में आता है, लेकिन अय्यर भाई आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट है, तो आप भी दूध पे के अरे वाह वाह क्या मस्त दूध है, मजा आ गया बोलने लगे। आपको साइंटिस्ट को पता नहीं चला नकली दूध है? आप साइंटिस्ट हैं ना? जेठालाल, मैंने उस दूध का बना हुआ कॉफी पिया था, वो दूध को देखा नहीं था। हाँ। अगर जो मैं उस दूध को देख लेता तो समझ जाता कि यह दूध नकली है। लेकिन संतोष ने हमें जो दूध दिया था वो तो एकदम सफेद था, नहीं कहो? हाँ, मैंने खुद चेक किया था यार, सफेदी की चमकार थी एकदम। आत्माराम, क्योंकि वो दूध में व्हाइट कलर मिला हुआ था। लेकिन अय्यर भाई, हमारे साथ जैसा हुआ वैसा ही दूसरे लोगों के साथ होगा तो कैसे पता चलेगा? हाँ। अंजलि भाभी, बिल्कुल इजी है वो भी। क्या दूध को ऐसा उंगली और अंगूठे में लेके ऐसा रब करने का, अगर ये दूध असली होगा तो ऐसा पीछे पीछे लगेगा। तुम्हें चिपचिपी बोलना है? वही अलवरम, चिपे चिपे लगेगा। पर अगर दूध नकली हुआ तो? रोजन भाभी, अगर जो दूध नकली हुआ ना तो ऐसा रब करेगा ना तो उसमें ऐसा साबुन के जैसा फील आएगा, क्योंकि नकली दूध में डिटर्जेंट पाउडर होता है। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस नॉलेज। और इंटरनेट पे भी नकली दूध को पहचानने के कई सारे आसान तरीके हैं। अच्छा दादाजी, इसमें लिखा है कि सबसे पहले दूध की बूंद को फ्लैट सरफेस पे डालिए, अगर दूध असली हुआ तो दूध की बूंद धीरे धीरे करके नीचे सरकेगी और सरकते वक्त पीछे अपना सफेद मार्क छोड़ देगी, और अगर दूध नकली हुआ तो दूध की बूंद ऐसे नीचे आ जाएगी और पीछे अपना सफेद मार्क भी नहीं छोड़ेगी। ये तो सच में बहुत आसान तरीका है, नहीं? हाँ, लक्षात ठेवून झालं। हाँ हाँ, ऐसा बहुत आसान तरीका है जिसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि दूध असली है कि नकली है, बस हमें अवेयर रहना चाहिए। हाँ, अगर हम जागरूक रहे तो किसी की मजा लेके हमें नकली दूध बेच सके। बिल्कुल एग्जैक्टली,
जितनी जिम्मेदारी सिस्टम की है उतनी ही जिम्मेदारी हम सब की है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे बबीता जी, हमारा अफेयर रहना बहुत जरूरी है। बराबर। ओ जडेलाल, अफेयर नहीं अवेयर, अवेयरनेस रहना जरूरी है। सॉरी मैं अवेयरनेस अवेयर अवेयर ये हाँ ये अवेयर अवेयर अवेयर। चलिए कुल मिला के सब कुछ भला हो गया, ये शुक्र की बात है। और इस सारे प्रकरण से हमें ये सीखने को मिला कि भाई नकली दूध और असली दूध में फर्क कैसे किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल अरे एक मिनट सब लोग शांत हो जाओ शांत हो जाओ। देखो भाई, हम सब ने इतनी बहादुरी से संतोष को पकड़वाया, दूध असली है या नकली उसकी पहचान कैसे करें वो बात भी हम लोग ने जान ली, लेकिन जिसकी वजह से ये सब हुआ है उसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब्दुल बेटा, हम सब लोग तेरे बहुत बहुत आभारी हैं। और आभार व्यक्त करने के साथ साथ मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुझसे माफी भी मांगता हूँ। चाचा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे भाई, जो सच है वही बोल रहा हूँ। जब तूने दूध के भाव बढ़ाए तो हम सब लोगों ने तुझे कितना भला बुरा कहा। सही बात है, गलती तो है हमारी। जब तुमने दूध के और सोडे के भाव बढ़ा दिए तो हमने तुम्हें गलत समझा मेरे दोस्त। बिल्कुल, अरे वो तो बेचारा कितना कह रहा था कि ये दूध के भाव मैंने नहीं बढ़ाए हैं, कंपनी से बढ़ के आए हैं, और कुछ भी हो जाए देसी दूध कंपनी का दूध सस्ते में नहीं मिल सकता, लेकिन किसी ने उसकी बात मानी ही नहीं। हाँ बराबर है जेठा, बिल्कुल। अब्दुल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें सॉरी कहता हूँ दोस्त। अब्दुल, कहाँ जा रहे हो? भिड़े भाई, मुझे बहुत बुरा लगा। जब आप सबने मुझे भला बुरा कहा था तो मुझे बुरा नहीं लगा था, लेकिन आज जब आप सब लोग मुझे सॉरी बोल रहे हो तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अरे, अरे। क्या मैं आप सबका अपना नहीं हूँ? कैसी बातें कर रहे हो यार अब्दुल, तुम हमारे अपने हो। क्या मैं गोकुलधाम परिवार का हिस्सा नहीं हूँ? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो अब्दुल, तुम गोकुलधाम परिवार का हिस्सा हमेशा से हो। तो फिर परिवार में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहती है, गलत फहमियां भी होती है, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी बोल के मुझे पराया मत करो, मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगा है। तू ग्रेट है अब्दुल यार, तू ग्रेट है। हाँ अब्दुल, वाह। आप लोग अपने हिसाब से सही थे, मैं अपने हिसाब से सही था। मैं आप सबसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। दो चार दिन से इसी दूध ने हम सबके बीच में दुनिया पैदा कर दी थी, आज वही दूध हम सबके बीच में नजदीकियां बढ़ाएगा। मैं आप सबको अपनी दुकान पर दूध कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सब आइए और हमारे रिश्ते को मिठास को और बढ़ाइए। चलो भाई, आइए आइए आइए। तो दोस्तों, अब्दुल अय्यर की मदद से नकली दूध से बचा लिया हम गोकुलधाम निवासियों को। अब्दुल के बारे में जो गलत फहमी हुई थी हमें वो दूर हो गई, हमें अब्दुल पर नाज है। कई बार वक्त अगर गलत हो ना तो इंसान भी गलत लगने लगता है, लेकिन हम सभी गोकुलधाम निवासियों ने अब्दुल से माफी मांगकर इस बात को साबित कर दिया कि गोकुलधाम एक परिवार है।
लेकिन इस नकली दूध के पूरे प्रकरण में एक बात तो आपने भी महसूस की होगी, और नहीं की हो तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपके घर में जो भी खाने पीने की चीज आ रही है उसकी पूरी परख कर लीजिए, तसल्ली कर लीजिए कहीं मिलावट वाली ना हो, और मिलावट वाली चीज का इस्तेमाल तो कतई न करें। सस्ते के चक्कर में शरीर से खिलवाड़ न करें, और यदि कहीं मिलावटी चीज बिकती दिखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। और मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मिलावटी चीजों के खिलाफ बड़े और कड़े कानून बनाए जाए, जो इन्हें बेचते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि वो ऐसा न कर सके। और यहाँ गोकुलधाम में एक प्रकरण तो समाप्त हो चुका है, लेकिन आप तो जानते हैं गोकुलधाम में यहाँ फिर से नया कोई हंगामा होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।